हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यूथ ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई ई एस विच देन गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चा देर इज अ रीजन की जो आर्टिस्ट है ना वो टाइमलेस होता है वी हैव सीन टाइम एंड अगेन कि एक आर्टिस्ट के लाइफ टाइम के अंदर उसकी इतनी बुक्कत नहीं पड़ती है जिसे हम कहेंगे है ना वो इतना ज़्यादा जो है वो सोसाइटी जो है उसको इमिजिएटली एक्सेप्ट नहीं करती है जितना उसके टाइम के बाद करती है क्योंकि आर्टिस्ट ना मंजर से बियॉन्ड चीज़ देखता है जो सामने रियलिटी है उसके पीछे छुपी हुई रियलिटी को देखा जाता है आर्टिस्ट की आइज़ के थ्रू राइट ऐसे ही एक आर्टिस्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू उनकी एक पेंटिंग क्योंकि रिसेंटली न्यूज के अंदर जो है ये आ, इनकी पेंटिंग इंदुलेखा पेंटिंग राजा रवि वर्मा की मैं बात कर रहा हूँ इनकी एक पेंटिंग जो है उनको अनवील करने की बात हो रही है एट द किलीमनूर पैलेस किली मनूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ राजा रवि वर्मा ये केरला में है बच्चे लिख लेते हैं यहाँ पे इट्स इन केरला राइट सो वन बर्थ एनिवर्सरी एक तो वन सेवेंटी सिक्स बर्थ एनिवर्सरी होगी इसका मतलब ये वैसे ही थोड़ा सा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए

तो फर्स्ट ट्रू कॉपी होने का मतलब ये है दो टाइप की कॉपीज बनती है बच्चे एक होता है किसी पेंटिंग की रेप्लिका और एक को हम कहते हैं ये पेंटिंग की है कॉपी राइट नॉ रेप्लिका इज द वन जो आपकी वर्कशॉप के अंदर उन्हीं आर्टिस्ट के थ्रू बनाई जाती है राइट इट इज कॉल्ड कि उस पेंटिंग की जो है ये रेप्लिका है ऑन द अदर हैंड जो आपकी कॉपी uh, होती है इट मे नॉट बी मेड इन दी वर्कशॉप इट सेल्फ ये वर्कशॉप से बाहर बनाई जाती है हाउएवर ट्रू कॉपी होने के लिए इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि इस पेंटिंग में और उस पेंटिंग में अंतर ना हो जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को नोटराइज कराते हो ना कि यार आपने आधार कार्ड को कोर्ट में सबमिट कराना है जैसे फॉर एग्जाम्पल तो इट शुड बी नोटराइज है ना तो नोटरी का मतलब यही है वो चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया उसकी एग्जैक्ट कॉपी है या नहीं है राइट तो इसको बोला जाता है ट्रू कॉपी तो कॉपी और रेप्लिका में ये अंतर है ये ये जनरली एक्सेप्टेड मैं आपको बता रहा हूँ राइट अगर आप कहीं ढूंढने जाओगे आपको ऐसे डेफिनेशन नहीं मिलेगी बट दिस इज हाउ द आर्टिस्ट वर्ल्ड वर्क राइट आइए बच्चे इनिशियली द ओरिजिनल पेंटिंग वॉज प्लान फॉर अनवीलिंग बट सिक्योरिटी रीजन की वजह से लोन ट्रू कॉपी जो है उसको अनवील किया जा रहा है ससिकला परक्कल ये इनके ओनर है इसके अलावा जो रेस्टोरेशन है बच्चे दैट इज डन बाय माधन एस ऑफ द हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन एंड रिसर्च अकेडमी के uh, माधन एस ये उनका नाम है बच्चे ठीक है तो इनके थ्रू जो है ये रिस्टोर की हुई है कॉपीजम क्यों बनाते हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कॉपीज इसलिए बनाई जाती है ताकि बाकी आर्टिस्ट भी उसको स्टडी कर सकें बाकी आर्टिस्ट भी उसका मजा ले सकें एक्सक्लूसिव नहीं होती है आर्ट 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 इट इज दैट डज नॉट बिलोंग टू आर्टिस्ट इट बिलोंग्स टू वर्ल्ड राइट एंड फॉर वर्ल्ड टू सी अब एक पेंटिंग हर जगह तो नहीं जा सकती अगर किसी ने स्टडी करना है उसको इधर उधर मानो दिल्ली में किसी ने स्टडी करना है या कहीं और किसी ने स्टडी करना है तो वहां पे इतना जो है आपका एक पेंटिंग को ट्रेवल करवाना मुश्किल है थोड़ा सा एंड हम जो है कॉपीज uh, को जो है वहां पर सेंड करते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इज द आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा इन हिमसेल्फ राइट ही इन केरला टू अ फैमिली हैज वेरी क्लोज टू द रॉयल्स ऑफ अच और जो पैटर्नाइजेशन है इस आर्टिस्ट की दैट वॉज डन बाय आईम थिरुनल राइट ये भी इंपॉर्टेंट है और वाटर कलर एक्सक्यूज <coughs> मी और वाटर कलर पेंटिंग जिन्होंने सीखी थी दैट वॉज इनके जो गुरु थे दैट वॉज रामास्वामी नायडू बच्चे अगेन ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है राइट ही लेटर ही वॉज लेटर ट्रेंड इन ऑयल पेंटिंग फ्रॉम डच आर्टिस्ट देखो डच इन्फ्लुएंस समझ में आ रहा ताँग ताँग होगा टाइम लाइन देखिए क्लियर होगा आर्टिस्ट थियोडोर जेंसन राइट एंड द मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें उसमें हम ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं मैंने पॉपुलर वर्क्स यहाँ ले दी और एक आपको स्लाइड में अलग से भी जो है वो प्रेजेंट करूंगा राइट right? उसका स्क्रीन ले सकते हैं इनका मेजर वर्क इंक्लूड्स लेडी इन दी मून लाइट नई लेडी हर अडोर्निंग हर हेयर मालाबार लेडी विद वायलिन लेडी विथ स्वरबाथ एंड महाराष्ट्रियन लेडी विद फ्रूट्स इसके अलावा इन्होंने महाभारत से बहुत सारे एपिक्स कैरेक्टर्स उठाए हैं उनकी पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है ही वॉज दी वन हु हुज रिस्पॉन्सिबल जो आपके दिमाग में वह नए से गॉडे लक, गॉडेस लक्ष्मी या वैन से गॉडेस सरस्वती तो जो आपके दिमाग में इमेज बनती है ना एक इमेज आई होगी बचपन के कैलेंडर से देखी हुई या फोटोज आपके पढ़ी होंगी अभी भी इट वॉज मेड बाय राजा रवि वर्मा तो जब हम रिलीजन को पढ़ते हैं ना कि रिलीजन कैसे मंदिरों से निकल के घरों में पहुंच गया है ना तो हम भक्ति मूवमेंट और सूफी सेंट्स की तो बात करते हैं जिन्होंने पर्सनलाइजेशन ऑफ गॉड कर दी इन्होंने पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड्स की और घरों में पहुंचाया मास प्रिंटिंग के थ्रू राइट सो ऐसा सा इन्फ्लुएंस है तो जब हम आगे जाके इसमें पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते yeah. हैं कि कैसे फ्रीडम फाइटिंग में भी फिर हमने रिलीजियस सिंबल्स का यूज़ किया मिस यूज़ भी हुआ ये सारी चीज़ें उसके उसमें आ रही हैं बट मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट की नज़र देखिए आप एवरीडे लोगों में एवरीडे चीज़ों में से इन्होंने जो प्रसोनिफिकेशन ऑफ गॉड निकाली राइट right? गॉड निकाली और उसके बाद में उसको पेंट किया एंड दिस इज़ राजा रवि वर्मा फॉर यू गाइज राइट आर्टिस्ट एंड अगेन वन सेवेंटी सिक्स ईयर्स कि हो गए हैं उनके बर्थ को एंड स्टिल द आर्टिस्ट इज रेलिवेंट राइट दैट मीन्स कि कुछ तो बात है है ना लास्ट पेंटिंग जो थी इनकी विच इज अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ पारसी लेडी राइट जो कि इज लेफ्ट इन चित्रशाला आर्टिस्ट स्टूडियो के लिमनोर पैलेस में विच वॉज इज लास्ट वर्क ठीक है बच्चे लास्ट वर्क के बारे में भी हमने यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया नेक्स्ट स्लाइड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आई हैव मेड अ कंपाइलेशन ऑफ इज मोस्ट रिनाउंड पेंटिंग राइट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस हो सकता है इसमें से कोई सवाल आ जाए प्री के अंदर वी शुड नॉट लीव दिस साइड थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर हॉलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर यंटरव्यू प्लीज चेक आउट आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल यू विल बी गेटिंग थ्री थिंग्स Number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024